बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रामर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ग्रामर टॉपिक्स सो लेट अस स्टार्ट एंड लर्न ग्रामर टॉपिक्स विद मी इज 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 वी यूज इज फॉर ही शी एंड इट हम इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे ही शी और इट आता है और आपको तो पता है ना कि इस हम सिंगुलर थिंग के लिए यूज करते हैं यूज एम फॉर आवर सेल्फ हम एम का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां हम अपने बारे में बात कर रहे हो जब आई आता है तो उसके साथ एम यूज करते हैं आर 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 वी यूज आर फॉर मोर देन वन पीपल एंड मोर देन वन थिंग जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की जा रही हो जहाँ प्लूर आ रहा हो वहाँ आर का इस्तेमाल करते हैं और आर यूज़ होता है दे वी और यू सेंटेंसेस में ग्रामर फोकस रीड द सेंटेंसेस बाय लुकिंग एट द पिक्चर अब हमने क्या करना है कि हमने सेंटेंसेस को रीड करना है उनकी पिक्चर्स को देखते हुए एज वी हैव अ पिक्चर वट बॉय वॉज डूइंग क्या कर रहा है ये ही was स्लीपिंग सो रहा है ना ये जी और एक है एक पर्सन है जो सो रहा है एक से ज्यादा तो नहीं है तो हम इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे द बॉय इज स्लीपिंग और अगर यहाँ एक से ज़्यादा बॉय होते तो हम यहाँ आर का इस्तेमाल यूज़ करते और सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता नेक्स्ट पिक्चर वी आर हैविंग हाउस देर इज वन हाउस और मोर देन वन हाउस क्या यहाँ एक हाउस है या एक से ज्यादा है hmm, यहाँ एक हाउस है तो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे दिस Is माई हाउस अब यहाँ देखें जो इज है हमने इसका इस्तेमाल क्यों किया क्योंकि यहाँ पे एक हाउस था नेक्स्ट पिक्चर वी आर हैविंग एप्पल्स हाउ मैनी टू एप्पल्स और जब एक से ज्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ हम क्या यूज करते, है? करते हैं माशाल्लाह वहाँ हम आर यूज करते हैं दीज आर एप्पल्स क्योंकि यहां एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है तो ये प्लूरल हो गए दीज आर एप्पल्स नेक्स्ट पिक्चर वी आर द बॉय वॉज डूइंग क्या कर रहा है ये बच्चा आई एम ईटिंग वो बॉय क्या कह रहा है वो बॉय कह रहा है आई एम ईटिंग कि मैं खा रहा हूं जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम एम का इस्तेमाल करते हैं यूज ऑफ इज एम एंड आर Complete the sentences by using the helping words shown above. जैसा कि हमारे पास तीन helping word मौजूद हैं, is, am और are. हमें इनका इस्तेमाल करते हुए sentences को fill करना है. The number one sentence we are having, she dash making tea. आपको तो पता है ना कि जब he, she आता है तो उसके साथ क्या आता है और यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बात हो रही है तो यहाँ क्या आएगा माशाला यहां इज आएगाक्स्ट सेंटेंस वी आर हैविंग द कैट डैश रनिंग द कैट डैश रनिंग यहाँ कितने पर्सनस के बारे में बात हो रही है जी यहाँ पे एक एनिमल के बारे में बात हो रही है पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही लेकिन अगर पर्सन के बारे में बात हो रही है या किसी एनिमल के बारे में बात हो रही है तो उसकी भी क्वांटिटी को हम देखते हैं कि क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है कैट एक है यहाँ कैट्स नहीं लिखा हुआ तो यहाँ क्या आएगा इज़ आएगा माशाल्लाह द कैट इज़ running the cat is running next sentence we are having they dash working in an office they dash working in an office यहाँ दे का इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है और जब एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जाती है तो क्या आता है एम hmm, आता है नहीं एस आता है नहीं तो फिर क्या आता है माशाल्लाह जी आर आता है दे आर वर्किंग इन एन ऑफिस दे आर वर्किंग इन एन ऑफिस द फोर्थ सेंटेंस वी आर हैविंग आई डैश इन द पार्क यहाँ पे आई का इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब एम आएगा क्योंकि यहाँ हम अपने बारे में बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस वी आर हैविंग द लास्ट सेंटेंस इज दिस डैश माई प्ले ग्राउंड यहाँ पे वो कह रहे हैं दिस डैश माई प्ले ग्राउंड तो यहाँ एक प्ले ग्राउंड की बात की जा रही है एक से ज़्यादा के बारे में बात नहीं की जा रही है सिंगुलर थिंग के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ क्या आएगा Are Aiga Nahi? Is Aiga Mashallah? This is my playground. Very nice. Allah Hafiz, everyone. If you like my channel, so don't forget to subscribe.